दोस्तों आप लोग जैसे हमारे पीछे ये वाटरफॉल देख रहे हैं, ये जिस ऊंचाई से गिर रहा है करीबन 25 से 30 फीट ऊंचे से गिर रहा है, और इसकी ज़मीन में जो गहराई है, जो वाटर के अंदर ये तालाब में जो गिर रहा है, ये करीबन 10 से 12 फीट है। तो इसका टोटल जो हो जाता है लगभग 40 से 50 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है ये पानी। अभी अभी हम लोग यहाँ पर पांडव वाटरफॉल में है। पांडव वाटरफॉल यानी कि महाभारत काल में जब पांडव आए थे यहाँ पर, 13 साल का एक्चुअली उनको वनवास हुआ था, और 13 साल के वनवास में जो 12वां साल था तब वो लोग यहाँ पर आए थे। और कहा जाता है वो लोग यहाँ पर रुके थे क्योंकि यहाँ का पानी का स्रोत बहुत अच्छा था। अब पानी का स्रोत जो है वो इस नदी के कारण यहाँ पर आता था, तो वहाँ पे इनकी गुफाएं भी हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि उन्होंने बनाई थी, बट ऐसा नहीं है, ये चट्टानों से टूटकर ही बनी थी यहाँ पर। अभी हमारे साथ यहाँ पर चलिए, अभी गुफाएं भी और घूमना है। नमस्कार दोस्तों, मैं बृजेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल ऑफिशियल बीके पर। आज एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं पन्ना। मध्य प्रदेश राज्य में ना एक ज़िला है, और पन्ना एक डायमंड सिटी के नाम से भी फेमस है। जैसा आप लोग जानते हो कि पन्ना जो जैसे हम लोग हाथों में वो पहनते हैं ना अंगूठी वगैरह, रिंग वगैरह, वही पन्ना। और यहाँ पर खदानें हैं उसकी, हीरा वगैरह निकलता है यहाँ से। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग आ गए थे आज सुबह सुबह, तो यहाँ ना बड़ी धुंध सी छाई हुई है, बारिश का मौसम है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी हम लोग एक्चुअली केन नदी के ऊपर हैं, और ये नदी बहुत ही बड़ी है। आप देखो, ये देखिए आप, बड़े खतरनाक नज़ारा है इसका यहाँ से। ये देखिए एकदम पहाड़ ही पहाड़ हो रखे हैं। ये बारिश के मौसम में यहाँ आने से ना बड़ा अच्छा हो जाता है मौसम वगैरह। आज हम लोग अभी चलेंगे और पन्ना में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली बहुत चीज़ें हैं पन्ना में। एक है अपना पांडव फॉल, और एक है अपना जुगल किशोर मंदिर, कई सारे ऐसे और हैं। तो चलते हैं, आज आज पूरे दिन का टूर रहेगा वहीं का पन्ना का। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर पांडव फॉल एवं गुफाएं। आप जैसे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ से इस साइड के लिए हम लोग निकलते हैं। अभी बाइक से जाना होगा पैदल, पन्ना टाइगर रिजर्व पांडव फॉल, मोटरसाइकिल वाहन इतना है। सारी डेटा आप इसमें डिटेल्स देख सकते हैं जी। अभी हमारे साथ यहाँ पर मिल गए हैं ये सज्जन, ये हम लोगों को सारा पांडव फॉल घुमाएंगे यहाँ से। और अभी हम लोग ये मेन गेट से करीबन 600 मीटर की दूरी पर है ये। अभी मैं आपको यहाँ से बैक साइड का पूरा देखो नज़ारा देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से है। यहाँ से जंगल है पूरा ये। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं पांडव फॉल में। यहाँ पर आती ही हो गई है बारिश शुरू, और बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि अब नीचे कब जाएंगे पता नहीं। जैसी बारिश बंद होती है वैसे नीचे जाएंगे। बहुत हाइट पर है ये। अभी हम लोग यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे स्टेप्स बहुत सारी हैं, संभल कर चलना भाई लोग, यहाँ पे बारिश हो रखी है बहुत ज़्यादा। जगह जहाँ पर 12 महीने रहती है, और यहाँ जो पानी की उपलब्धता है पूरी की पूरी पहाड़ों से है, ये माउंटेन बाटा है। तो ये पानी कहाँ से आता है? ये अभी तो बारिश वाला पानी आ रहा है, बारिश सभी जगह से एकत्रित होकर नाले के रास्ते से, लेकिन इसमें पहाड़ों का भी पानी आ रहा है साथ में। अच्छा, बारिश के पानी के साथ साथ पहाड़ों का भी पानी आ रहा है। अभी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे किस तरह से पहाड़ों से पानी आता है। दोस्तों आप लोग ये जो पेड़ देख रहे हैं गौर से देखिए, इनमें क्या है हाथों और पंजों के निशान मिलेंगे आपको। यहाँ पे जानवर भी रात में आते हैं पानी वगैरह पीने। अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर गुफाओं की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी करना ज़्यादा सही नहीं रहता ही। कुछ ऐसा करना कि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी एनिमल हर्ट हो, तो यहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ वगैरह भी अच्छी नहीं लगती उनको। अभी हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ गुफाएं सी लग रही हैं, आपने देखी होंगी। ये पूरा देखो उतना ऊंचा पहाड़, पहाड़ों से ये पानी आ रहा है नीचे की तरफ।
ये देखिए, ये पुरानी है, उसी टाइम की गुफाएं हैं। बोला जाता है ये पहाड़ टूटकर उसको बनाया गया था। कितनी तेज पानी आ रहा है। एक्चुअली अभी बारिश का सीज़न भी है यहाँ, तो हम लोग तो अभी आए हुए थे, यहाँ पे बारिश हो रही थी तभी लेट हो गए। तो ये पीछे की तरफ आप जो पांडव गुफाओं का नज़ारा देख रहे हैं, पांडव गुफाएं सैंटिंग रोड के पीछे है, जो आगे का आर्किटेक्चर वाला दिख रहा है, ये पन्ना की गोंड राजा हृदयसाय के शासनकाल में इसका निर्माण माना जाता है, लगभग 1700 ईस्वी में। तो उस समय वो यहाँ पे जंगली जानवरों को शिकार के लिए आती थी अपनी टीम के साथ में, तो वो ये पूरा बना हुआ दिख रहा है। और उस समय क्या है कि राजा महाराजा के शासनकाल में कोई पाबंदी नहीं थी शिकार की, और शिकार करना उनके लिए एक हॉबी यानी कि उनका एक खेल हुआ करता था, तो वो यहाँ पे इसी के लिए आते थे। क्योंकि यहाँ जो सामने की तरफ तालाब देख रहे हैं, इसमें एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी हमेशा रहता है गर्मियों में और सर्दियों में। बारिश में तो ऐसा कि जगह जगह पानी की उपलब्धता रहती है, लेकिन गर्मियों सर्दियों में जगह के अलावा पानी है। तो पीछे जैसे कि अपन ने पेड़ में स्केचेस भी जा करके देखे हैं, तो यहाँ जानवर बाघ भी यहाँ पर आते रहते हैं गर्मी ऑक्सीजन, उनके लिए भी ये काफ़ी पसंदीदा जगह है। तो किसी समय ये जगह जो है पांडव के लिए पसंदीदा मानी जाती थी, फिर उसके बाद जब राजा महाराजाओं का शासनकाल आया तो उस समय ही पसंदीदा जगह थी उनके लिए। फिर फ्रीडम फाइटर्स चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आए, उनके समय में ही पसंदीदा जगह रही है। और आज के समय में ये पर्यटकों के लिए जो है काफ़ी दर्शनीय स्थल बना हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अभी सुबह का समय तो केवल अभी फर्स्ट टाइम में हम लोग ही आए हुए हैं, जैसे जैसे समय अभी होगा तो वैसे ही काफ़ी यहाँ पर्यटकों की भीड़ देखने के लिए मिलेगी पांडव फॉल में। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ गुफाओं के अंदर, और यहाँ से चल के देखते हैं कि अंदर कैसा क्या है। आप लोग भी चलिए हमारे साथ, देखिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पांडव गुफाएं, ये है इस तरीके से। यहाँ पे चलिए अंदर चलते हैं। ये कुछ इस तरह है, और ये गुफा बोली जाती है पांडवों की थी यहाँ पर, जब वो यहाँ पर आए हुए थे। अभी आप लोग जो ये गुफा देख रहे हैं, ये एक्चुअली महाभारत काल की है। यहाँ पर बताया जाता था सारे पांडव आकर यहीं रहते थे, और वनवास काल उन्होंने यहाँ पे काटा था। और अभी यहाँ पर क्या होता है कि देखो आप, यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह काफ़ी हैं, अभी भी जानवर यहाँ पे आ जाते हैं रात में कभी कभी आराम करने। तो ये उसी टाइम का, प्राचीन टाइम का बना हुआ है ये। बहुत अंधेरा है, बहुत अंदर है ये। अभी हम लोग इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा गुफाएं हैं। ये कुछ इस तरह का कटा हुआ पहाड़ है जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह का कटाव था, ये लास्ट स्टेज देख रहा है इस कटाव का, और ये प्रकृति द्वारा कटाव माना जाता है। अच्छा, तो अभी तो पूरी तरीके से पानी आता है इसमें हर जगह से ना। आता रहता है, तो इसीलिए गर्मियों में ये चीजें भी ज्यादा ठंडक बनी रहती है यहाँ पर। हाँ, और साथ ही यहाँ पर जो पानी का रिसाव हो रहा है धीरे धीरे करके, तो ये पानी क्या है कि चूना पत्थर जिसको बोलते लाइमस्टोन, वो बन रहा है। ये कुछ पानी बंद भी हो जाता है, ज्यादातर तो बेहतर रहता है, कुछ पानी बंद हो जाता है तो चूने पत्थर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक मानी जाती है। देख रहे हैं ये गर्मियों में आता रहता है, और ये पानी पहाड़ के अंदर से आ रहा है, ये ऊपर से बहकर के बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो लोग यहाँ पर गर्मियों के सीजन में भी आकर के बारिश का मजा लेते हैं, कुछ इस तरह का महसूस होता है यहाँ पर। और ये जो पानी का टेस्ट है बिल्कुल आरओ से भी कहीं अच्छा टेस्ट माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि पानी पहाड़ के अंदर से और पेड़ों की जड़ों से, पहाड़ों की चट्टानों से होकर के आ रहा है। और ये पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहीं स्टोरेज नहीं हो रहा है, लगातार आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं जिसको रनिंग वाटर बोलते हैं, लगातार पानी आ रहा है। और इस पानी को चाहे तो आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। चलिए फिर पीते हैं पानी, आ जाओ। ये देखेंगे कितना क्लीन पानी आता है, पहले तो ये देखिए इसकी क्वालिटी देखिए, फिर आप इसको पी के देखिए।
और ये रनिंग वाटर इसलिए खराब नहीं होता है, कहीं स्टोरेज नहीं है। एक नंबर पानी है भाई, बिस्लरी और एक्को अपना फेल है इसके आगे। क्लियर है एकदम, क्लियरिटी देख रहे हो, नीट एंड क्लीन पानी देख रहे हो आप एकदम। और टेस्ट भी इसका इतना शानदार है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है इसमें। नॉर्मल पानी जो हम लोग पीते हैं, अभी भी पीते हैं जो हम लोग, बिल्कुल आरओ जैसा ही है। मैं तो कहता हूँ उससे बेटर है, क्योंकि पूरा पहाड़ों से और औषधियों से मिलकर आ रहा है ये चीज़। जरूरी है इसको पीना दोबारा। बहुत सही, धन्यवाद भैया। हाँ भाई संदीप, तुम भी टेस्ट कर लो पानी का। मैं भी चेक करता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा पानी की तरह लग रहा है, फिर भी एक बार टेस्ट करके। जरूरी है वाकई में, मैंने टेस्ट किया, वाकई में मिनरल की तरह ही पानी है, साफ सुथरा, और दिखने में जैसा लग रहा है ना जैसा वो पीने में भी लग रहा है। और ये क्वालिटी है इसकी, जैसा वो दिख रहा है जैसा है भी है। बहुत साफ पानी है एकदम, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल भी मतलब मिक्सिंग नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, अभी जो हम लोगों ने अभी पानी पिया है वो एक्चुअली इन 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 पत्थरों से होके आ रहा है। ये पहाड़ देख रहे हैं आप, बहुत ऊंचाई पर हैं ये, 50-60 फीट होगा ये करीबन। और यहाँ से होते हुए ये पानी यहाँ पे आ रहा है। देखिए भैया अभी पी रहे हैं अभी ये पानी, मतलब इतना हेल्दी है ये पूरा, ये पेड़ों से होकर आता है औषधि, मतलब मेडिसिन वाटर बोल सकते हो आप इसको। कई प्रकार की पेड़ों से, जड़ों से और पहाड़ों की चट्टानों से होकर के आ रहा है, और इस पानी को पीने से यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनकी ये मान्यता है कि कई प्रकार की बीमारियों को भी दूर करता है। दोस्तों अभी जो हमारे सामने आप लोग ये देख पा रहे हैं, इसका नाम है हंटिंग लॉज। हंटिंग लॉज एक्चुअली जब यहाँ पर राजा वगैरह शिकार करते थे तो यहाँ पर इस तरीके से रखते थे, यहाँ पर बैठते थे। तो क्या है, अभी यहाँ पर इसको प्रतिबंधित कर दिया है, किसी भी प्रकार का शिकार अलाउड नहीं है अभी। तो सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर अगर आते हो आप तो बारिश वगैरह हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे आके आप आराम से बैठ सकते हो, या कोई जानवर आ जाए तो आप यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। तो अभी हम लोग तो भाई इस समय हंटिंग लॉज के अंदर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं तो पांडव जल के पास नाम दिए गए यहाँ पर स्थित है। तो ये राजा महाराजा हंटिंग लॉज का, जैसे कि मैंने पहले बता रहे हैं, और उसके साथ ही बाहर की तरफ तालाब दिख रहा है, तो जब जाकर यहाँ पानी पीने के लिए आते थे तो राजा महाराजा जो है अपने टीम वर्क के साथ छिप के बैठते थे, और जैसे ही जानवर पानी पीने के लिए यहाँ पर आते थे तो उनका शिकार किया जाता था। ये आप बराबर यहाँ के देखेंगे बिल्कुल उसी समय की है, दीवारों की आप साइज भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर चाहते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारों का साइज है, ये लेंटर भी आप देख सकते हैं, लगभग उसी समय के छत भी दिख रही है। और इस समय संवाद जैसे कि दिख रही है, उन्होंने डेरा डाल के रखा हुआ है, बारिश का मौसम है तो सभी लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पर थे, बहुत तेज बारिश होने लगी है, ये देखिए आप, और ये झरना चल रहा है यहाँ से। दोस्तों हम लोगों ने अभी घूम लिया है पांडव फॉल, यहाँ पर हो रही है बहुत तेज बारिश अभी, तो हम लोग एक जगह बैठ गए हैं यहाँ। और अभी बारिश का ये ऐसा नज़ारा है कि बंद कब होगी पता नहीं है, तो अभी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, पांडव फॉल में और क्या क्या नई चीज़ें विशेषताएँ हैं अगर आप लोगों ने देखी हो तो। और इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, थैंक यू सो मच।